हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सैयम बड़ोला और आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूँ लिमिट से। क्लास 11th का टॉपिक है मगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को समझाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम JEE में क्लास 12th में ही लिमिट पढ़ाते, क्लास 11th में किसी भी कोचिंग में लिमिट नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, तो JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिमिट अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी समझेंगे क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। तो पहले लिमिट समझते हैं कि किसी भी फंक्शन के लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट होता क्या है। ओके, क्या क्या मेथड होती है लिमिट को निकालने के लिए। ओके, जितने भी शॉर्टकट तरीके हैं सब अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तुम लोगों की क्लास 12th का है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है उसमें केवल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है क्योंकि CBSE में क्लास 11th में लिमिट आ जाता है। ओके, तो पहले लिमिट डिस्कस करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो यार लिमिट, ओके, तो यार लिमिट होता क्या है, तो एक क्वेश्चन से ही समझते हैं कि लिमिट की जरूरत क्या पड़ी, होता क्या है। ओके, तो देखो सिंबल क्या होता है लिमिट का, इस तरीके से तुमको दिखेगा लिमिट। अपन ने मान लिया कि लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स टेंडिंग टू वन। ओके, तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये एक फंक्शन है। ओके, लिमिट ऑपरेट हुई। ओके, लिमिट क्या है एक्स टेंडिंग टू वन, किस फंक्शन पे ऑपरेट हुई, एफ ऑफ एक्स पे। एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अपन एक चीज देखे तो एक्स और एफ एक्स की मैं टेबल बनाता हूं। ओके, तो ये सिंबल का मतलब क्या होता है कि एक्स टेंडिंग टू वन, एक्स इसका देखो एक्स टेंडिंग टू वन का कभी भी ये मतलब नहीं होगा इज नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन। ओके, तो ये दोनों बात अलग है। x tending to 1 मतलब x 1 की तरफ जा रहा है, x equal to 1 मतलब x 1 है। ओके, तो लिमिट अपन क्या निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट ऐसे निकालते हैं कि फंक्शन उस नंबर पे जा रहा है तो फंक्शन कहां पे जा रहा है, मतलब जब x 1 की ओर जा रहा है तो फंक्शन कहां पे जा रहा है, मतलब जब x 1 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहां जा रहा है। तो देखो x को मैं 1 की तरफ ले जाता हूं तो अपन देखिए जब मैंने x को 0.9 रखा, जब मैंने x को 0.9 रखा इसमें, ओके, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई 1.9। क्लियर, जब तुम यहाँ 0.9 रखोगे तो 0.9 का स्क्वायर माइनस वन, 0.9 माइनस वन, क्लियर, तो वो आएगा 1.9, है ना, क्लियर है बात। जब मैंने x को 0.999 रखा तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है 1.99। ओके, जब मैंने x को 0.999 रखा तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है 1.999। बात समझ में आ रही है, मतलब मैं x को 1 की तरफ ले जा रहा हूँ। ओके, 0.9 रखा फिर 0.999 रखा फिर 0.999 रखा, जब मैं x को 1 रखूंगा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बेसिकली 1 माइनस 1 0 बन रहा है। ओके, पर मेरे को एक आइडिया मिल रहा है कि जब मैं x को 1 की तरफ ला रहा हूं तो fx 2 की तरफ जा रहा है, मतलब जब x 1 की तरफ जा रहा है, ओके, तो fx कहां पे जा रहा है 2 की तरफ, क्लियर है बात। तो ये तो अपन ने बात कर ली जब अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से देखा लिमिट को, दो तरीके से देखते। ओके, लिमिट एक अपन देखते लेफ्ट हैंड, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा अपन देखते राइट हैंड लिमिट। कुछ नहीं है, देखो तुमको टेबल पता है, ओके, नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन पे ये होता है जीरो, ये होता है माइनस वन, ये होता है वन, क्लियर। अब मेरे को एक्सटेंडिंग टू वन, तो मैंने इधर के नंबर रखे थे 0.9 0.99, मतलब वन के लेफ्ट साइड में देखा मैंने, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की है। इस टेबल से मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की है क्योंकि मैंने वन के लेफ्ट में नंबर को पुट कर करके एफ एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की है। ओके, जब मैं
RHL की बात करूंगा, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी अपन ऐसी एक टेबल बनाते हैं। ये तुम्हारा x होगा, ये तुम्हारा fx होगा, क्लियर। तो जब मैंने x को मानो 1.01 रखा, जब मैंने x को 1.01 रखा तो fx कितना आ रहा है, तो fx आ रहा है 2.01, क्लियर। जब मैंने x को 1.001 रखा तो fx कितना आ रहा है 2.001, जब मैंने x को 1.00001 रखा तो fx कितना आ रहा है 2.0001, क्लियर। मतलब जब मैं राइट हैंड, जैसे देखो ये 1 था, ओके, एक बार मैं लेफ्ट हैंड से 1 की तरफ जा रहा था, एक बार मैं राइट हैंड से 1 की तरफ जा रहा था, क्योंकि 1.01 यहां पे कहीं पे होगा और 0.9 यहां पे कहीं पे होगा, तो 0.9 रखा था, फिर 0.99 यहां पे कहीं पे होगा, 0.999 यहां पे कहीं पे होगा, और अपन 1 की तरफ जा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से। एक बार मैंने 1.01 रखा, फिर मैंने 1.001 रखा, फिर 1.00001 रखा, ओके, मतलब मैं राइट हैंड से 1 की तरफ जा रहा हूं, तो fx कहां पे जा रहा है, पहले 2.01 था, फिर 2.001 हुआ, फिर 2.00001 हुआ, मतलब fx 2 की तरफ जा रहा है। मतलब क्या कि जब x 1 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो fx यहां पे भी 2 की तरफ जा रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2, क्लियर बात। ये होता है लिमिट का मतलब, मतलब तुमको नेबरहुड में देखना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, ओके। कोई भी नंबर जिसकी लिमिट फाइंड करनी है, उसके लेफ्ट हैंड साइड देखो, उसके राइट हैंड साइड देखो कभी, ओके, हाँ, मतलब ये चीज तो तुमको अभी लिमिट समझ में आई है ना। अब मैं ये दोनों चीजें पहले बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद अपन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करेंगे, ओके। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया मिला लिमिट का कि होता क्या है लिमिट, ओके। तो x टेंडिंग टू 1 का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 1 की तरफ जा रहे, एक बार अपन उल्टे हाथ से 1 की तरफ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ गए, एक बार राइट हैंड साइड से 1 की तरफ गए, पर अपना जो फाइनल आंसर है fx का वो हमेशा क्या आया, 2, मतलब जब 1 की तरफ जा रहे हैं तो fx कहां पे जा रहा है, 2 की तरफ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू क्या हो गई, 2, ये अपना आउटपुट निकल गया, ये अपना रिजल्ट निकल गया, इतनी सारी चीजों का कंक्लूजन निकल गया, ये बात समझ में आ गई, तो ये नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। एक चीज पता लग गई ना, जब उल्टे हाथ से लिमिट को देखते तो वो LHL हो जाती है, जब सीधे हाथ से मतलब 1 के उस तरफ कोई भी जो नंबर तुमको दे रखा है, जैसे मानो लिमिट x टेंडिंग टू a fx तुमको दे रखा है, तो नंबर लाइन पे a, जब तुम इधर से देखोगे a की तरफ तो ये हो जाएगी RHL, और जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो ये हो जाएगी LHL, ओके। ये दोनों चीज समझ में आई। अब अपन नोट करते कि LHL और RHL होता क्या है, तो नोट करो लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, हेडिंग डालो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो यार, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ये है सवाल। कभी इसकी तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब ये a है उसके लेफ्ट में तुमको निकालना है, मतलब क्या यार, इसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो मैंने मान लिया a माइनस h है, वेर h इज टेंडिंग टू 0, मतलब जो h है ना वो 0 के करीब है, कभी 0 हो जाएगा तो वो तो a ही हो जाएगा, और a माइनस h मतलब क्या होता है समझना, ये a था, a माइनस h मतलब h में एक ऐसा नंबर मान रहा हूँ जो 0 के बहुत करीब है पर 0 नहीं है, मतलब वो टेंड कर रहा है 0 को पर वो 0 नहीं है,
कभी मैं यहाँ लिखता एच इक्वल टू जीरो, तो एच इक्वल टू जीरो से क्या मतलब हो जाता है, ए माइनस एच की वैल्यू ए के बराबर हो जाती, मतलब वो ए ही हो जाता। इसलिए ये जो नंबर है दैट इज ए माइनस एच, वेर एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो जैसे अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ओके एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, ओके तो ये अपन ऐसे निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, वन माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, मतलब वन के माइनस में जा रहा हूँ, मतलब उल्टे हाथ में, ओके ये रिप्रेजेंटेशन है, वन माइनस मतलब वन के लेफ्ट में जा रहा हूँ, ओके ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये जो x है, x को मैं रखूंगा 1 माइनस एच, x की जगह मैं क्या रखूंगा 1 माइनस एच, तो ये हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ कर दूंगा मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, क्लियर। तो ये अपन ने ओपन किया लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये हुआ तुम्हारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन h माइनस 2 माइनस h कैंसिल, ओके अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके ये तुम्हारा बना माइनस टाइम्स h माइनस 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बन गया 2 माइनस एच। अब देखो जब भी लिमिट में इनडिटरमिनेंट इन, देखो दो चीज होती है, एक होती है इनडिटरमिनेंसी, जैसे कि इस सवाल में थी कि तुम जब x को 1 रख देते तो ये क्या हो रहा था डिनोमिनेटर में 0, ओके तो जब इनडिटरमिनेंसी होती है तो तुमको फैक्टर में ब्रेक करके वो वाला फैक्टर कैंसिल कराना रहता है जिसके कारण इनडिटरमिनेंसी आ रही है, ओके फिर तुम लिमिट निकालोगे, वो मैं बताऊंगा इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अभी अपन इतना समझ गए। अब देखो h तो टेंडिंग टू 0 है तो ये तो 0 के करीब है, तो 2 के कंपैरिजन में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 2, ओके तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी 2, ओके मैं वो इवैल्यूएशन और इनडिटरमिनेंसी तुमको बताऊंगा। अभी अपन देख रहे हैं LHL, तो ये समझ में आया क्या किया अपन ने, ये x टेंडिंग टू 1 माइनस मतलब ये अपन ने नंबर लाइन पे 1 बनाया, ये नंबर होगा 1 माइनस एच, x की जगह 1 माइनस एच रख दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ a माइनस एच, ओके तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, इससे तुम्हारा आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई पक्का, तो यार ये नोट कर लेना, ओके तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। अब कभी मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, ओके राइट हैंड लिमिट की मैं कभी बात करूं तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, ये तुम्हारा 1 है तो 1 के आगे वाला नंबर क्या होगा 1 प्लस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है मगर h बहुत छोटा नंबर है, तभी अपन हल्का सा 1 के आगे चले गए, तो बस सेम x टेंडिंग टू a प्लस तुमको निकालना रहेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या करोगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट से तुम्हारा आंसर क्या आया 2, अब राइट हैंड लिमिट से अपन निकालते हैं, तो देखो वही लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्लियर x टेंडिंग टू 1, क्लियर ये बात। देखो जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है राइट हैंड लिमिट का, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h से,
ओके माइनस वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन अपॉन एच, वन से वन कैंसिल, एच कॉमन निकल गया, एच प्लस टू अपॉन एच कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू के कंपैरिजन में एच की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, टू, क्लियर। ये तुम्हारा राइट हैंड लिमिट आया। तो देखो लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, मतलब तुम कोई भी नंबर तुमको दिया है, जैसे लिमिट ए पे निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे निकालनी है, तो ए माइनस एच जब एक्स की जगह रखोगे वेर एच टेंडिंग टू जीरो, तब भी तुम्हारी लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब एल एच एल भी एग्जिस्ट करे, आर एच एल भी एग्जिस्ट करे, ओके। और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, देखो यहां पे दिख रहा है राइट हैंड लिमिट भी टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू है, ओके तो इसका आंसर लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू। अपन ने वहां से भी देखा था वो टेबल बना के, ओके तो ये जो होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तभी तुम कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्लियर। तो तुम नोट लिख लो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ओके लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, ओके तो रीजन वन या नोट वन, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। तो पहली चीज तो अभी अपन ने देख लिया कि एग्जिस्टेंस ओके पहला वाला पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, ओके देन ओनली वी कैन से कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड चीज कि बस ये जो बात है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये एग्जिस्ट करे, ओके दोनों बराबर हो, दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे, प्लस दोनों बराबर हो, तभी तुम कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही। कभी मैं बात करूं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, तो लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो यार लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब एल एच एल तुम्हारा नॉट इक्वल टू आर एच एल आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये कोई फंक्शन है तुम्हारा, तो इसमें मैं देखूं लिमिट जब मैं जीरो माइनस निकालूंगा एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब एल एच एल निकाल रहा हूं, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा जीरो माइनस एच, ओके वेयर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा माइनस h, है ना। तो ये बेसिकली जीरो माइनस h तुमको कहां पे ले जा रहा है, जीरो माइनस h तुमको ले जा रहा है माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन, समझ पा रहे हो, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस, दैट इज जीरो प्लस h, है ना, ये अपन ने जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस h मतलब ये तुम्हारा ऐसा बना दैट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस वन आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो आ रही है, इस केस में मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बात समझ में आई, पक्का। ग्राफ से भी देख सकते हो तुम, जैसे ये देखो ये तुम्हारा ग्राफ इसका ऐसे ही बनता है वन तक, फिर वन के बाद सिमिलरली ऐसा माइनस वन, है ना, ये तुम्हारा जीरो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो समझ में भी आ रहा है,
कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस वन, राइट हैंड लिमिट आ रही है जीरो। मतलब जब मैंने जीरो से हल्का सा माइनस किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जीरो से हल्का सा माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। जीरो से हल्का सा इधर गए तो माइनस वन, और जीरो से हल्का सा आगे गए तो जीरो, जीरो से हल्का सा आगे गए तो जीरो, जीरो से हल्का सा नेगेटिव में गए तो माइनस वन, फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पहला पॉइंट तो ये आ गया। ओके, सेकेंड पॉइंट फॉर द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कर रहे हैं। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि कभी मैं बात करूं कि यार तुम्हारा जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाए कि उसके नेबरहुड में, मतलब जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x है तो a के नेबरहुड में राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी फंक्शन ही डिफाइन ना, समझ रहे हो, मतलब a प्लस h पे और a माइनस h पे फंक्शन ही डिफाइन ना, मतलब फंक्शन की डोमेन के बाहर ही चला गया ओके x, तो उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं समझ में आएगा। जैसे लिमिट sec इनवर्स cos x x टेंडिंग टू जीरो, इस केस में इसकी लिमिट मैं कभी निकालना चाहूँ तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करता हूँ ओके, जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब ये वैल्यू cos x की वन से कम हो जाएगी, भाई cos 0 1 होता है, 0 प्लस h पे 1 से कम हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 से कम हो गई। sec इनवर्स cos x है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो अपन 0 माइनस की बात कर रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की, जब मैं x की जगह रखूंगा 0 माइनस h, क्लियर। तो देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उसमें से तुम हल्का सा भी रिड्यूस करोगे, जैसे देखो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ये cos x का ग्राफ है, ये जीरो है तो जीरो से तुमने हल्का सा कम किया, मतलब जीरो माइनस एच तो ये वन से हल्का सा कम हो जाएगा, मतलब जो cos x की वैल्यू है वो लेस देन वन हो जाएगी जीरो माइनस पे, क्लियर। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो देखो जीरो प्लस पे भी इवन फंक्शन है तो cos x क्या हो जाएगा तुम्हारा लेस देन वन, cos x लेस देन वन इधर भी हो गया, cos x लेस देन वन इधर भी हो गया। अब ये जो sec इनवर्स होता है, sec इनवर्स के अंदर जो ये जो लिखा रहता है, याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec इनवर्स कैपिटल x, तो ये जो कैपिटल x होता है वो बिलोंग्स टू करता है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। तो यार cos x कभी लेस देन 1 हो गया मतलब 0.999 भी हो गया तो वो तो sec इनवर्स की डोमेन में ही नहीं है, मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, समझ पा रहे हो भाई। cos x लेस देन 1 मतलब इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो लेस देन 1 हो गई ओके, मतलब sec इनवर्स मान लो 0.999 हो गया ओके, तो sec इनवर्स 0.99 और इधर भी sec इनवर्स क्या हो रहा है 0.99, तो यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डोमेन के बाहर हो गया ना sec इनवर्स की, डू नॉट एग्जिस्ट, समझ पा रहे हो, क्लियर हुई चीज। तो यार ये देखो sec इनवर्स 0.99 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो समझ में ही आ गया कि डू नॉट एग्जिस्ट। तो देखो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है a माइनस एच पे और a प्लस एच पे। तो सेकंड चीज ये हो गई, जब फंक्शन नेबरहुड पे, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जब फंक्शन नेबरहुड पे जहाँ पे तुमको लिमिट निकालनी है उसके नेबरहुड पे डिफाइन ही ना हो तो उस केस में भी लिमिट नहीं निकलेगी, क्लियर है। अच्छा एग्जाम्पल में ये लिख लेना। तीसरा पॉइंट, कोई यूनिक टेंडेंसी नहीं हो, जब फंक्शन की कोई यूनिक टेंडेंसी नहीं है, मतलब जैसे मानो लिमिट में को निकालनी है एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स की ओके, थर्ड केस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का ओके,
कि जब फंक्शन की कोई यूनिक टेंडेंसी नहीं है, जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इस तरीके का तुमको कोई फंक्शन दे दिया, साइन वन अपॉन एक्स साइन अपॉन वन अपॉन एक्स, ओके इस तरीके का कोई फंक्शन मिल गया, तो इस केस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब इस केस में जो फंक्शन है वो यूनिक टेंडेंसी शो नहीं कर रहा। क्या मतलब है? जब एक्स टेंडिंग टू जीरो मैं रखूंगा, जब मैं एक्स टेंडिंग टू जीरो रखूंगा, ओके इसको ऐसे मत, साइन वन अपॉन एक्स की बात कर रहे हैं, साइन वन अपॉन एक्स, ओके लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स, ओके इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो क्योंकि उस वाले की तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, मैं उसका भी देखूंगा, अगला एग्जांपल वही दूंगा, साइन वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी समझते हैं। तो देखो, जब तुमने एल एच एल निकालने की कोशिश की, मतलब जीरो माइनस एच रखा एक्स की जगह, साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ओके इस तरीके से एक्स को रिप्लेस किया जीरो माइनस एच से, ये आ गया तुम्हारा, तो ये आया तुम्हारा साइन साइन माइनस इन्फिनिटी बेसिकली, है ना, और साइन माइनस इन्फिनिटी। तो तुम एक चीज जानते हो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ऑसिलेट करता है प्लस वन और माइनस वन में, तो तुम कुछ रिपोर्ट कर पाओगे क्या? कोई यूनिक इसकी वैल्यू आ रही है क्या? ये तो रिपीट हो रहा है, ऐसा सिमिलरली इधर भी रिपीट होगा, ओके तो इस केस में इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि साइन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है माइनस वन से वन में होगी, पर कोई यूनिक वैल्यू नहीं पता लग रही कि फंक्शन कहाँ पे टेंड कर रहा है, ओके हम वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे साइन वन अपॉन एक्स को देख के। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट का भी तुम इस फंक्शन की निकालना चाहोगे, तो वो भी तुम्हारी ऐसी आएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एच, क्लियर, और जब तुम इसको जीरो रखोगे तो ये बनेगा साइन इन्फिनिटी, है ना। अब साइन इन्फिनिटी भी प्लस वन से माइनस वन में हो सकता है कुछ भी, है ना, तो तुम कुछ बता नहीं पा रहे हो कि कोई यूनिक वैल्यू। तो व्हेन द फंक्शन डू नॉट हैव यूनिक टेंडेंसी, इन दैट केस ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कब कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके पहला पॉइंट, राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, कैसे निकालना है, एक्स को एक बार ए प्लस एच रख देंगे तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए माइनस एच से तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी। ए क्या है? जहां पे लिमिट निकालनी है, ओके तो उससे तुम निकाल लोगे, कभी तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई तो एग्जिस्ट करेगी लिमिट, कभी बराबर नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? ये वाला, जब तुम्हारा फंक्शन नेबरहुड पे डिफाइन ही नहीं है, जैसे sec inverse cos x के केस में फंक्शन जो है वो नेबरहुड में डिफाइन ही नहीं था, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ओके थर्ड केस, जब फंक्शन कोई यूनिक टेंडेंसी शो नहीं कर रहा है, जैसे sin 1 upon x, क्लियर, तो इस केस में तुम फंक्शन को देखोगे एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, या साइन इन्फिनिटी प्लस वन से माइनस वन कुछ भी वैल्यू हो सकती इसकी, तो तुम एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू तक नहीं जा पा रहे हो, तो उस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, क्लियर है बात। तो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, ओके बढ़े आगे। अब देखो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट कैसे करते हैं, ओके उसके पहले अपन कुछ रूल्स देख लेते हैं जो ऑपरेट कर सकते हो तुम लिमिट में। तो पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से अलजेब्रिक तरीके हैं इवैल्यूएशन करने के पहले लिमिट को, ओके बहुत बेसिक है, जिसको लिमिट जीरो से समझना है उसके लिए लेक्चर बहुत
इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ को ध्यान से सुनना, तुमको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़, मान लो लेट एफ एक्स, लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर तुम्हारा आ रहा है एल, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x की वैल्यू आ रही है m। ओके, अब तुमको लिमिट निकालनी है। पहला क्वेश्चन, ये तुमको पता है कि लिमिट कोई फंक्शन है fx, उसकी x टेंडिंग टू a पे l है, लिमिट gx x टेंडिंग टू a पे m। ओके, तो जब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ एक्स तुम्हें निकालनी रहेगी, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा एल प्लस माइनस एम। जब प्लस लोगे तो एल प्लस एम, जब माइनस लोगे तो एल माइनस एम। मतलब इसको इंडिविजुअल ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। क्लियर? सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ओके, इसकी लिमिट, तो तुमको इंडिविजुअल लिमिट का भी पता है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, दैट इज इक्वल टू l अपॉन m। थर्ड, प्रोडक्ट के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, दैट इज इक्वल टू l m। क्लियर? फोर्थ, लिमिट x tending to a, okay, f of g of x, okay, तो वो हो जाएगा लिमिट, मतलब f तुम्हारा बाहर आ जाएगा, दैट इज लिमिट x tending to a g of x, okay, मतलब जब कंपोजिट फंक्शन में दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो इक्वल हो जाता है एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एल एफ ऑफ एम, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एम, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एम। ये कब आएगा? जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ये तभी आंसर आएगा जब द फंक्शन f of x is continuous at x बराबर m। क्लियर? तो ये चार इंपॉर्टेंट रूल्स है, और मैं बोलूं तरीके हैं जो लिमिट में ऑपरेट हो जाते हैं। अब देखो, ये मैंने क्यों बोला कि जो फंक्शन है f of x वो कंटिन्यूअस होना चाहिए x बराबर m पे। तो एक बात देखो, तुम जब तुम कभी बात करोगे कि यार ये तुम्हारा f ऑफ x है कुछ इस तरीके से, ओके, और जो g ऑफ x है, ओके, जो g ऑफ x है वो मान लो कुछ ऐसा है, है ना, sin x। क्लियर? तो कभी मैं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ये बात नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो जब अपन f ऑफ g ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे ही निकालने जा रहे हैं, तो पहली चीज़, ये जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, तो रुक जाओ, इसको अपन ऐसे, मतलब इस केस में तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब मेरा सीधा सा मतलब है कि यार इसको ऐसा कभी कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस ही नहीं है x बराबर m पे, तो उस केस में तुम एफ एम आंसर नहीं बोल पाओगे। क्लियर?
वो तभी होगा जब फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स कंटिन्यूस हो। तो ऐसा कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि जब एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कंटिन्यूस हो एक्स बराबर एम पे, तो तुम ये डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है बात? समझ में भी आ जाएगा जब अपन इवैल्यूएशन सीखेंगे ना, तो तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, मैं इवैल्यूएशन डिस्कस करता हूँ तो ये सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएगी। इवैल्यूएशन जो होता है किसका? लिमिट का। तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है, तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है फैक्टराइजेशन करके, मतलब जैसे x माइनस a के कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही है। ओके, मैं एक क्वेश्चन से देता हूँ तुमको, तुमको समझ में आएगा कब क्या अप्लाई कर। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। ओके, तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखी है लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसमें जब इनडिटर्मिनेंसी आ रही है, इनडिटर्मिनेंसी आ रही है, तो ये इनडिटर्मिनेंसी दैट इज जब एक्स को तुम ए रख दोगे, कभी ये इनडिटर्मिनेंसी नहीं आए। ऐसा कुछ दे दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए बराबर के प्लस, मतलब एक्स प्लस थ्री, ये फंक्शन है। तो इस केस में तो सीधे आंसर हो जाएगा a प्लस थ्री। तो इस केस में इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, तो तुम सीधे x की जगह a रख दोगे और आंसर हो जाएगा। पर इस केस में तुम x की जगह a रखोगे तो नीचे क्या आ रहा है? जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। तो इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको पहले इनको फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा और वो फैक्टर को कैंसिल करना पड़ेगा जिसके कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही है। इनडिटर्मिनेंसी मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हो रही। जब तुम x बराबर a रखोगे, जैसे इस वाले में सीधे लिमिट निकल गई, जब फंक्शन ऐसा है जिसके कारण इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही है तो सीधे अपन ने लिमिट पुट कर दी। जैसे मानो लिमिट x टेंडिंग टू 2, फंक्शन तुमको दिया है x प्लस 5, आंसर हो जाएगा 7। क्लियर? पर जब तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, तो इस केस में तुम x को 2 नहीं रख सकते हो, क्योंकि तुमने 2 रखा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो इस केस में पहले तुमको x माइनस a फैक्टर जिसके कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही है, दैट इज x माइनस 2 फैक्टर, इसको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो वो पहली मेथड होती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो कुछ नहीं है, इसमें अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब रख सकते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2, 2 रख दोगे आंसर आ गया 4। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड। जब तुमने वो फैक्टर को रिजेक्ट किया, दैट इज लिख लो अपन ने जैसे x माइनस a के कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही है तो वो फैक्टर को कैंसिल कराना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस a x प्लस a x माइनस a कैंसिल, ये बना x प्लस a, दैट इज 2a विल बी द आंसर। क्लियर है ये बात? अब सेकेंड होता है रैशनलाइजेशन मेथड। तुम रैशनलाइज करके वही फैक्टर को कैंसिल करोगे। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व करते हैं अपन और लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, रब कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं लिमिट को कैसे ऑपरेट करना है और आंसर कैसे निकालना है। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू a रूट में x माइनस बी, लिमिट x टेंडिंग टू a रूट में x माइनस बी माइनस रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखो, अपने को एक चीज़ समझ में आ गई कि x माइनस a वो फैक्टर है जो इसमें छुपा हुआ है,
दैट इज कभी इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा x माइनस ए एक्स प्लस ए, मतलब इसके अंदर एक फैक्टर छुपा हुआ है x माइनस ए जिसके कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही है। तो इसमें अपन लगाएंगे रैशनलाइजेशन मेथड। ओके, अब रैशनलाइजेशन में क्या रैशनलाइज करना, तो तुमको नाइन्थ क्लास में सिखा दिया गया था कैसे करें इसको रैशनलाइज, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो ये a माइनस बी लिखा है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज x माइनस बी प्लस रूट ऑफ a माइनस बी, x माइनस बी प्लस ऑफ रूट ऑफ a माइनस बी। क्लियर, तो ये हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस बी रूट का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी प्लस रूट ऑफ ए माइनस बी। अब देखो ये हो गया तुम्हारा x माइनस बी माइनस ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी, तो b से b कैंसल, ऊपर बन गया x माइनस ए, वही बनाना था नीचे x माइनस ए पहले से है, ओके तो ये तुम्हारा ऊपर बन गया b से b कैंसिल, ऊपर बना x माइनस ए। ओके तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल। अब ये जो है ये कैसा हो गया, इसमें इनडिटर्मिनेंसी गायब हो गई क्योंकि अपन ने वो फैक्टर रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो फैक्टर कैंसिल कर दिया जिसके कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी। तो अब x बराबर a अपन रख देंगे, तो x बराबर a अपन जैसे ही रखेंगे तो इसमें मतलब ये हो गया तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू a वन अपॉन x प्लस ए रूट ऑफ x माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है ना। तो जब इसमें रखोगे तुम x बराबर a तो ये बन गया वन अपॉन टू ए रूट ऑफ a माइनस बी प्लस a माइनस बी, तो वो भी टू आ जाएगा, दैट इज ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुमने x बराबर a रखा तो 1 अपॉन 2a a माइनस बी प्लस a माइनस बी, 2 टाइम्स a माइनस बी 2a, तो 4a रूट ऑफ a माइनस बी आंसर। समझ में आया, तो बस वो फैक्टर रिजेक्ट करना जिसके कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही है। ओके तो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है और इसमें तुम लोग गलती करोगे इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं है ना। क्वेश्चन नंबर टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिमिट एक्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ये क्वेश्चन है, तो ये आंसर 1 अपॉन 4 ए रूट ऑफ ए माइनस बी आंसर आ गया। अब ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो बस इसमें भी वही लगाते हैं रैशनलाइजेशन, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सीधे रखेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इनडिटर्मिनेंसी है, तो अपन इसमें भी रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ये हुआ एक्स, इसमें केवल इतने में लगा रहा हूँ एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन ही था, केवल इतने पार्ट में इतने पार्ट को मैंने रैशनलाइज किया तो a माइनस बी ये a प्लस बी मान लिया, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट
एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा केवल माइनस एक्स, ओके, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा, अच्छा तभी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस एक्स बनेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से और रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, ओके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली एक्स, ओके, और ये तुम्हारा बन गया प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया, अरे बेसिकली इस केस में ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे को न्यूमरेटर में हमेशा पॉजिटिव देखना पसंद है इसलिए मैंने ऐसा किया माइनस एक्स, तुम कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, ओके ये बन गया। अब क्या करें, अब देखो ये तुम्हारा एक्स है तो मैंने इधर से भी नीचे से भी x कॉमन निकाला, नीचे से भी x कॉमन निकाला, ऊपर से भी x कॉमन निकाला, है ना, नीचे से भी x कॉमन निकाला, ऊपर से भी x कॉमन निकाला, तो मेरे को एक चीज़ बताना, ये तुम्हारा x माइनस इन्फिनिटी है, ओके, ये तुम्हारा जो x है ये है माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो मैंने ऊपर से भी एक x कॉमन निकाला और नीचे से भी एक x कॉमन निकाला, क्लियर। अब ये जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे बच्चे करते हैं, ओके, वो ये हो जाती है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया, है ना। अब जब तुमने ये x निकाला ना कॉमन, तो यहाँ पे इस लिमिट को देखो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये जो कॉमन निकलता है रूट के वो निकलता है मॉड x ना कि x, तो यहाँ पे मॉड लगाना भूल जाते हैं, क्लियर, तो ये मॉड लगाना मत भूलना, कभी तुम ये मॉड लगाना भूल जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ओके, तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी में जब तुमने x कॉमन निकाला, हाँ, तो बेसिकली ये क्या हो गया, मॉड x बाहर निकला, जब मॉड x बाहर निकला तो ये वाला जो साइन है बेसिकली ये क्या हो जाएगा प्लस वन ना कि माइनस वन, क्लियर, क्योंकि माइनस x था तो इसको प्लस x बना के, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बना के निकालना पड़ेगा, तो ये प्लस वन हो जाएगा, समझ पा रहे हो, अरे तुम्हारा x यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो मॉड x कैसा खुलेगा माइनस x खुलेगा ना, तो देखो इसको माइनस x तुम खोलोगे तो यहाँ माइनस x ही आएगा, तो मैंने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, ओके, ये स्टेप समझ में नहीं आई होगी तो मैं इसको एक और बार अच्छे से तुमको बताता हूँ कि क्या किया है। यहाँ पे गलती ये कर देते हो कि तुम लोग यहाँ पे लोगे सीधे x कॉमन, मैं तुम लोग बता रहा हूँ कि तुम लोग क्या करोगे इसमें, x कॉमन यहाँ पे तुमने x कॉमन निकाला 1 प्लस, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ऐसे ही माइनस 1, अब ये x से x कैंसिल, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, अब तुम सीधे रख दोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 जीरो, ये बन गया तुम्हारा इन्फिनिटी 1 अपॉन जीरो फॉर्म, क्लियर, समझ गए, तो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट में कभी भी ऐसे कॉमन नहीं निकाला जाता है, कैसे कॉमन निकलेगा, ये तुम इसको लिमिट को याद रखो कि लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी तुम्हारी लिमिट है, तो तुमने मॉड एक्स निकाला बाहर, तो मॉड एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होता है तो कैसे खुलता है माइनस एक्स से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वन, माइनस वन की जगह प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि ये तुमने क्या लिख दिया माइनस एक्स, क्लियर, और ये कैंसिल, तो ये बना तुम्हारा वन अपॉन माइनस टाइम्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन अपॉन टू प्लस वन। अब तुम रखो x की जगह माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन गया जीरो प्लस वन, प्लस वन प्लस वन ये हो जाएगा टू, माइनस वन अपॉन टू इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x,
एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर हो गया माइनस वन अपॉन टू। ये स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है कि अपन कॉमन जब निकालते रूट के अंदर से, देखो मैं एक और बार इसको पूरा बता रहा हूँ, मैंने इसको रैशनलाइज किया, x प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर था तो मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, क्लियर। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ऊपर तो वन बनेगा तो केवल x बचेगा ये वाला, क्योंकि ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1। नीचे क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। अब देखो इधर तुमने जब इधर से कॉमन निकालोगे तो मॉड x कॉमन निकलेगा, और मॉड x कॉमन निकल गया x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस x कॉमन निकला, तो माइनस x कॉमन निकला तो ये प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये वाली स्टेप तो गलत ही है, ये हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे कॉमन निकालने में गलती मत करना, यहाँ तक सब कर लेते हैं। यहाँ पे गलती क्या होती, जब तुम यहाँ से कॉमन निकालोगे तो मॉड एक्स बाहर निकलता है, रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर में से मॉड एक्स बाहर निकलेगा। ओके, तो इसको ऐसे समझो, मॉड एक्स बाहर निकला तो ये बना वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो मॉड एक्स बाहर निकला तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी मतलब ये माइनस एक्स बाहर निकला, तो माइनस एक्स बाहर निकल गया तो बचा क्या, प्लस वन। क्लियर, ये x नहीं है, जब x यहाँ पे इन्फिनिटी होता तो ये माइनस वन ही आता, पर यहाँ पे x क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो मॉड x बाहर निकला तो प्लस वन, क्योंकि ये बेसिकली बनेगा क्या, माइनस x, क्योंकि x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, और ये कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन टू। क्लियर है। तो यार लिमिट का मैंने बहुत जनरल आइडिया दिया है तुमको, और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला था, है ना। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करते, इसका आंसर है माइनस वन अपॉन टू। कैसे आया, समझ में आया, है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हैं, और आंसर गलत कुछ किताबों में दिया भी है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइनस वन अपॉन टू। ओके, तो समझ में आया, कॉमन कैसे निकालते रूट के अंदर से, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि रूट के अंदर से जो भी वैल्यू निकलती है वो एक पॉजिटिव वैल्यू निकलती है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो अपन x को भी जानते नहीं है तो अपन मॉड x की तरह निकालेंगे, पर फिर अपने को पता है कि x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखना है, तो मॉड x को फिर अपन किस में बदल देंगे, माइनस x में। तो ये जो x अपन कॉमन निकालेंगे दैट इज प्लस वन साइन हो जाएगा। ओके, क्लियर, ये बात समझ में आए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि लिमिट की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके आगे अपन बहुत वेराइटी के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट बताऊँगा लिमिट को कैसे तुम एवेल्यूएट करोगे। ओके, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसकी कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कभी लिमिट अच्छे से आ गया समझ में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आगे की बात करेंगे।